नमस्ते दोस्तों, अनीता जैन रेसिपी में आपका स्वागत है। मैं अनीता जैन आज वेजिटेबल पुलाव बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पुलाव बनाने के लिए मैंने लिए हैं आधा कप चावल। चावल आप कोई से भी ले सकते हो, ये मैंने धो के साफ कर लिए हैं। एक मीडियम साइज का आलू, एक छोटा साइज का प्याज, एक छोटी हरी मिर्ची, एक गाजर, 1/4 कप मटर, एक टमाटर और हरा धनिया। आप इसमें कोई भी वेजीज हटा सकते हो और कोई भी ऐड कर सकते हो। कुकर में 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है, ये गर्म हो गया है। आप इसे घी में भी बना सकते हो और तेल में भी बना सकते हो। 1/4 चम्मच राई डाल देंगे। सभी वेजीज डाल देंगे उसमें। गैस धीमा भी, अब इसमें मसाले डालेंगे। 1/4 चम्मच लाल मिर्ची, आप लाल मिर्ची हटा भी सकते हो। थोड़ी सी हल्दी, 1/2 चम्मच सौंफ, 1/2 चम्मच नमक और मिक्स कर लेंगे। अब इसमें चावल डाल देंगे। और मिक्स कर लेंगे। गैस फुल कर देंगे और अब इसमें पानी डालेंगे। ये मैंने 1/2 कप चावल लिए हैं, तो 1 कप पानी डाल देंगे। जो भी आप मेजरमेंट लो उसका डबल पानी डाल दें। ढक्कन लगा देंगे और 1 सीटी लेते ही हम गैस बंद कर देंगे और फिर भाप खत्म होने के बाद कुकर खोलेंगे। हमने 1 सीटी ली थी, भाप खत्म हो गई है, चेक कर लेते हैं। चावल सीज गए, आलू भी सीज गए हैं, गाजर भी सीज गई है, सभी चीज सीज गई है। अगर आपको लगे कि आपके चावल नहीं सीजते तो आप 1 सीटी और ले सकते हो, हमारे तो बन गए हैं। इसमें हरा धनिया डाल देंगे और 1/2 चम्मच लेमन जूस डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे और इसे बाउल में निकाल लेंगे। ये हमारा वेजिटेबल पुलाव बनके तैयार हो गया है। अब इसे आप भी ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।